हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन, जहाँ पर कि हम जो जीएस के कुछ फैक्ट्स हैं, जनरल स्टडीज़ के कुछ फैक्ट्स हैं, जिन्हें हम ट्रिक के ज़रिए याद करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, कि जो पहला फैक्ट है जो आज हम याद करेंगे, वो है कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं उन्हें क्रम से लगाया गया है और उस क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यही याद करेंगे कि उन शब्दों का क्रम क्या है। तो ट्रिक की हेल्प लेंगे यहाँ पर, और देखिए ट्रिक है आपकी कि प्रभु समाधि लो, ठीक है, कि प्रभु समाधि लो। अब देखिए किस तरह से इसे यूज़ करना है। तो जो प्रभु है, प्रभु से आपका बन जाएगा प्रभु सत्ता संपन्न, ये आपका पहला शब्द है जो क्रम में है, पहले क्रम पर, ठीक है। उसके बाद समाधि का जो समा है उससे बन जाएगा आपका समाजवादी, ठीक। और जो धी है, धी को धा से बनेगा आपका धर्मनिरपेक्ष। तो क्या हो गया अब तक, प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और लोक का आपसे बन जाएगा लोकतांत्रिक, ठीक। तो ये क्रम है, आप इस ट्रिक के ज़रिए अगर आप याद करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं कि भाई प्रभु समाधि लो। और इसी तरह से जो क्रम है शब्दों का वो हो जाएगा कि प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको याद हो गया होगा या आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरह से इसे आसानी से याद किया जाए। अगली एक और फैक्ट है जिसको हम ट्रिक से याद करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या है वो अगली फैक्ट। अगर आप देखेंगे, आप देखेंगे ये है कि संविधान के स्रोत के बारे में बात हो रही है। जो हिंदुस्तान का, हमारे भारत का संविधान है, वो कई बहुत सारे देशों के संविधान से कुछ कुछ चीज़ें उठाकर और उनसे मिलकर बनाया गया है। तो कौन कौन से देश हैं जिनसे वो सोर्स लिए गए हैं, स्रोत लिए गए हैं, वो हम याद करेंगे। ट्रिक है आपकी इसे याद करने की कि अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आ जा, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए कि अकबर आपका दोस्त है और आप उसे क्या कह रहे हैं कि भाई अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आ जा, ठीक। तो देखिए किस तरह से याद करेंगे कि जो अकबर का आ है उससे बना आपका अमेरिका, का से बना आपका कनाडा, ब से बना ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, और रा से बन गया आपका रूस, ठीक। तो अकबर इस तरह से कंप्लीट हो गया। आज के आ से बनेगा आपका आयरलैंड, ठीक, ज से बनेगा जर्मनी, और फिर का हो गया आपका, फिर से आप याद रखिए फ्रांस, फिर फ्रांस, ये राइम बन जाता है थोड़ा सा यहाँ पर, तो फिर और फ्रांस, ये हो गया आपका। दक्षिण अफ्रीका देश है, वहाँ से भी सोर्स लिया गया है, स्रोत लिया गया है। आजा के आ से ऑस्ट्रेलिया और जा से जापान, ठीक। तो इस तरह से ये कुछ देश हैं जहाँ से संविधान के कुछ स्रोत लिए गए हैं, हमारा जो भारत का संविधान है वहाँ से कुछ स्रोत उनको उठाया गया है। तो याद कर लीजिए एक बार से फिर से ट्रिक कि अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आ जा, ठीक है, अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आ जा, तो काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे आपको ये सारे देशों के नाम, ठीक है। तो इसी के साथ आज एक और आपका तथ्य है, एक फैक्ट है जो हम स्रोत इसके ट्रिक के ज़रिए याद करेंगे, तो देखते हैं क्या है वो। अगला जो आपका यहाँ पर फैक्ट है वो है संविधान सभा की जो प्रमुख समितियाँ थी, संविधान सभा बनाई गई थी ताकि संविधान बनाया जा सके, और उसकी भी कुछ समितियाँ बनाई गई और उनके अध्यक्ष रखे गए। देखिए समितियाँ हैं तो अध्यक्ष भी होंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम उसी को याद करेंगे ट्रिक के ज़रिए, समितियाँ याद करेंगे और उनके जो अध्यक्ष हैं उनको याद करेंगे। तो देखते हैं भाई कि ट्रिक क्या है यहाँ पर। संचालन संघ प्रारूप प्रशंसा, ठीक है, संचालन संघ प्रारूप प्रशंसा। अब ये यहाँ पर चार नाम दे दिए गए, राजेंद्र, नेहरू, भीम, पटेल, ठीक। तो प्रशंसा की अगर आप बात करेंगे तो देखिए प्रशंसा के साथ में आपका पटेल रिलेट कर रहा है यहाँ पर कहीं, तो देखिए किस तरह से इस ट्रिक को इस्तेमाल किया गया है। तो संचालन से आपके संचालन समिति बनाई गई थी, तो संचालन से आपकी संचालन समिति आप याद रख लीजिए, और जो उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो संचालन आपका कहाँ रिलेट कर गया, राजेंद्र प्रसाद से रिलेट कर गया, ठीक। अब देखिए अगला देखते हैं, संघ, संघ से बना आपका संघ शक्ति समिति, ठीक है, जो नेहरू जी से रिलेट कर दिए इन्होंने यहाँ पर, तो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष रहे थे,
ठीक, प्रारूप की बात करें आप तो प्रारूप देखिए, संघ से दो समितियां बनी हैं यहाँ पर, एक संघ शक्ति समिति और एक संघीय संविधान समिति। तो संघ को जब नेहरू से इन्होंने रिलेट किया है तो दोनों ही जो समितियां थी उनके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, तो संघ से आप दोनों याद रखिएगा, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है प्रारूप। प्रारूप के साथ है भीम, जो भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो प्रारूप समिति जो बनाई गई उसके जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि प्रारूप के साथ किसको रखा गया, भीम को रखा गया। प्रशंसा की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ से प्र से आपका बन गया प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे आपके वल्लभ भाई पटेल। और एक और समिति बनाई गई, दैट वॉज झंडा समिति, मूल अधिकार उपसमिति। ठीक, झंडा समिति, मूल अधिकार उपसमिति, जिनके जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, जे बी कृपलानी। ठीक, तो देखिए अब देखा जाए तो ऊपर की जो आपकी ये पांच समितियां हैं ये तो आपके ट्रिक से आ गई यहाँ पर, है ना। और एक जो समिति है वो आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। जब इतनी याद हो जाएंगी तो एक ही समिति बच जाती है, तो उसका आप क्या याद कर लेंगे कि जो झंडा समिति थी, मूल अधिकार उपसमिति, उसको क्या कौन थे उसके अध्यक्ष, जे बी कृपलानी थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये ट्रिक पसंद आई होंगी, और इसी तरीके की ट्रिक्स के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें आदर्श अकेडमी को। और अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और इस पर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा, थैंक यू।